फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं शर्मनी हेगन, मैं आपका दोस्त हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं एक ईयरफोन को। ये देख सकते हैं मेरे पास है एक ईयरफोन और मेरे पास है ये ऑक्स केबल, दोनों है अलग अलग है। और ये देख सकते हैं मेरे पास डीसी मोटर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं एक मोटर ब्लूटूथ स्पीकर। चलिए अब शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं कि ईयरफोन को। ये देख सकते हैं मेरा ईयरफोन है और इसके अंदर पीछे के अंदर वायर कटे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक डीसी मोटर, इससे मैंने पहले बनाया था एक ब्लूटूथ स्पीकर। ऊपर आया आई बटन पर क्लिक करें और इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास ऑक्स केबल है, देख सकते हैं मेरे पास ये ऑक्स केबल और ये है ईयरफोन। और इसके ईयरफोन के पीछे के मैंने वायर निकाल दिए, देख सकते हैं। देखिए मेरे पास ये लेफ्ट और राइट चैनल का है और इसके अंदर ये है लेफ्ट वाले चैनल का, ये ग्राउंड है, ये राइट वाले चैनल का ये ग्राउंड है। अब सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि इसके अंदर ये इस ऑक्स केबल के अंदर पता कैसे चला है कि कौन सा वायर कैसा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये देख सकते, ये है लेफ्ट, ये राइट, ये ग्राउंड और ये माइक का है ना, आपके समझ आ गया होगा। और ये पीछे के अंदर पता नहीं चलेगा, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देख सकते हैं पीछे इतने सारे वायर है इस ऑक्स केबल के अंदर, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। इसके लिए चाहिए आपको ये चार्जर, देख सकते हैं मेरे पास है एक चार्जर, देख सकते हैं मेरे पास चार्जर है। आप इसकी जगह कोई बैटरी या सेल को कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.8 वोल्ट का चार्जर है। और एक आपको चाहिए ऐसी एक LED बल्ब है, इसकी जगह आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस LED बल्ब में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेफ्ट राइट का कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आप बस, और ये सर्किट तैयार। मैं इसको है ना डायरेक्ट 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दूंगा इस चार्जर को, देख सकते हैं। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 220 ओ DC चार्जर से कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। अब आपको करना ही है, चेक करने से पहले हम इनके पीछे के वायर है ना, इनको हम इसके ऊपर एक लेयर आती है उसको हम निकाल लेंगे। इसका हम माचिस का इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं, ध्यान से इस्तेमाल करें। ये देख सकते हैं ये वायर आती है, इसके ऊपर लेयर आती है, आप इसके ऊपर हटा लें, ऐसे हटा सकते हैं आप। अब आप इसकी भी वायर हटानी है आपको ऐसी, ये आप देख सकते हैं इसको ईयरफोन की है ये वायर। और ये देख, अब एक वायर लेना है इसका चार्जर का, इस LED बल्ब का, और उसको रखना है ऑक्स केबल के ऊपर। और फिर ये देख सकते हैं मेरे पास चार वायर है। अब चार वायर में से है ना कोई सा सारे वायर एक बार टच करके देखेंगे, जो भी वायर के अंदर बल्ब ग्लो करा वो वायर होगा अपना लेफ्ट वाला। ये देख सकते हैं आप, ये रेड वाला हो गया हमारा लेफ्ट वाला, देख सकते हैं। अब ऐसे हम राइट वाला वायर चेक कर लेंगे, या राइट वाले इधर रखेंगे और दूसरा वायर से हम सारे वायर चेक कर लेंगे। रेड वाला तो पहले मिल ही गया, बाकी से चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं इस ये रहा, ये है इसका वायर, ये मिल गया, देख सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। ऐसे हम ग्राउंड का वायर ढूंढ लेंगे, ग्रीन वाला वायर पहले हो गया, अब कौन सा बचा, ये वाला। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं ग्राउंड वाले वायर में ही कनेक्ट करेगा। और लास्ट वाला है माइक का, पर हमें माइक की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं लास्ट वाला है माइक का। ये देख सकते हैं वायर बल्ब ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं, सिंपल से ट्रिक है। अब मैं आपको ईयरफोन कनेक्ट करके बताता हूँ। ऐसे हम इसके ईयरफोन के वायरिंग हटा लेंगे, देख सकते हैं ऐसे इसके ऊपर लेयरिंग आती है, बस ऐसे हटा लेंगे। और आप देख सकते हैं इसके वायर निकले हैं, ये लेफ्ट वाला चैनल है, ये राइट वाला चैनल है। इसके अंदर देख सकते हैं ये रेड वायर है, बहुत हल्का सा कलर आ रहा है इसमें। और ये ग्राउंड है और इसके अंदर एक ब्लू कलर है, आप देख सकते हैं ढंग से, ये ब्लू कलर वाला है इसका राइट वाला चैनल है, ये ग्राउंड।
और इसके अंदर हमने जो वायर ढूंढे थे ना ऑक्स केबल का, वो हम इसके अंदर सब कनेक्ट कर देंगे। और इसके अंदर हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, ये रेड वाला वायर हम लेफ्ट वाले चैनल से कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सा है। और ये है माइक का वायर था, इसको हम अभी काट देंगे। इसके अंदर ये ग्रीन वाला था, ये उसका था राइट चैनल का, तो हम इसको राइट चैनल से कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं हम राइट वाले चैनल से इसको कनेक्ट कर देंगे। और इसके अंदर हम ग्राउंड वाले वायर को हम जोड़ देंगे, दोनों के अंदर एक ही ग्राउंड वायर आएगा। ये देख सकते हैं ग्राउंड वायर वायर इसके अंदर ये जुड़ गया। को ध्यान रखना है कि किसी से भी एक दूसरे से अड़े नहीं है, दूरी रहे इनमें। देख सकते हैं हो गया पूरा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसको टेस्ट करके प्ले करके बताता हूँ आपको। इस दोनों के अंदर से आवाज़ आ रही है आपको, मैं इसको फोन पास में लेके सुनाता हूँ इसकी आवाज़। आवाज आ रही होगी, देख सकते हैं मेरे पास ये वाला है। अब मैं आपको दूसरे वाले की सुनाता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।